Yes, ma'am. We are live. This meeting is being recorded. A Libra by zodiac and the first woman to be elected as mayor of Lucknow Municipal Corporation, which is one of the biggest municipal corporations in India. A very good afternoon, everyone. And this is Aparna Mishra, founder of Women Shine, welcomes you all to this Facebook Live on World Environment Day. और आज के दिन में सबसे अच्छा गेस्ट कौन हो सकता है जो इस Environment Day के बारे में हमसे बात करे? We have with us our special guest, our Honorable Mayor Sanyukta Bhatia ji. Ma'am, namaskar. Namaskar. मैम आपके पास आज आपको टाइम हमें मिला है बहुत अच्छा आपसे तो बहुत सारी क्वेश्चंस आपसे हम पूछना चाहेंगे तो पहले तो मैं शुरुआत ये करूंगी कि मैम आज से करीब कई साल पहले 7-8 साल पहले जब हम लोग लखनऊ रोड से कहीं जाते थे बाहर एंटर करते थे लखनऊ में तो एक स्लोगन आता था कि लिख के आता था कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है राइट तो हम लोग ये बात करते थे कि ये क्या मतलब है ऐसा क्या है लखनऊ में जो मुस्कुराइए आप लखनऊ में है क्या हो गया ऐसे लखनऊ में लेकिन मैम अब अगर हम देखें लखनऊ में तो ये स्लोगन बिल्कुल ठीक बैठता है और इस स्लोगन के पीछे जो जिसने स्लोगन को किया है वो आप ही हैं जिन्होंने पूरा आपका योगदान है इस लखनऊ शहर को इतना सुंदर बनाने में तो मैम ये कैसे आपने इसको किस तरह से आपने सफर को अपना सार्थक किया मैं जब पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया मुझे आपके साथ कुछ बातें शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लखनऊ शहर की बात आपने की है तो लखनऊ शहर को जब मेरा एक सपना था जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रही थी और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप महिला हैं महिला एक महिला है कि कैसे शहर को संभालेंगी तो मैंने उनसे कहा था कि मैं एक महिला हूँ इसलिए बहुत अच्छी तरह से संभालूंगी और एक सपना था कि लखनऊ को नंबर वन पर लाने का सपना था लखनऊ को आगे बढ़ाने का एक सपना था और उसके लिए मैंने सबसे पहले शुरुआत की लोक मंगल दिवस से और मैंने एक लोक मंगल दिवस शुरू किया जो महीने में हमारा शहर पहले बताना चाहूँगी कि हमारा शहर 8 जोनों में बटा हुआ है और 8 जोनों में बटा होने के कारण इस व्यवस्था की दृष्टि से हमने इसको बांटा हुआ है और महीने में 4 मंगल होते हैं और मंगल दिवस इसलिए नाम दिया कि लोगों के मंगल के लिए और मंगल के दिन ये होता है तो हर मंगल को मैं पहले मंगल को 1 और 2 जोन में दूसरे मंगल को 3 और 4 में तीसरे मंगल को 5 और 6 में और चौथे मंगल को 7 और 8 में ये रेगुलर मेरा चल रहा है और अच्छा। इससे फायदा ये होगा कि लोगों को ये नहीं मालूम रहता है कि हमें अपनी समस्या के लिए अपने काम के लिए किसके पास जाना है कौन सा डिपार्टमेंट किस में हमें जाना है अपनी शिकायत मुझे कहाँ करनी है तो इसके लिए मैं स्वयं वहां बैठती हूँ और सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को साथ लेके बैठती हूँ और लोगों की समस्याएं सुनने का काम मैंने वहां पर शुरू किया और इससे लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ लोगों की समस्याएं समझने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर उन समस्याओं पे काम करने की बात आई और मैंने उस पर अपना काम करना शुरू किया और मैं सुबह एक दौरा करती हूँ अपने अपने शहर में सुबह 7 से 9 बजे तक मेरा टाइम फिक्स है मैं प्रतिदिन अपने किसी ना किसी वार्ड में निरीक्षण करने के लिए जाती हूँ पहले तो मैं बता के जाया करती थी वहां सफाई मिलती थी लोगों ने बाद में बताया जब मैं मंगल दिवस पर बैठी और लोगों ने बताया कि मैम जब आप आती हैं तो सफाई होती है और जब आप चली जाती हैं तो सफाई नहीं होती तो मैंने बिना बताए औचक निरीक्षण करना शुरू किया और आज सारी व्यवस्थाएं भी ठीक करने का प्रयास किया और जहाँ सफाई नहीं होती थी उसको भी कराने का प्रयास किया और हमने हमारे लखनऊ शहर में जब आप पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे डंपिंग पॉइंट थे डंपिंग पॉइंट सड़क पर होते थे क्योंकि ये गाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं जिसके जेसीबी मशीन के द्वारा कूड़ा उठाया जाता है और ट्रक में डाला जाता है फिर वो ट्रक को ले जाकर शहर से बाहर भेजा जाता है तो इस तरह के पॉइंट्स जो थे वो शहर गलियों के अंदर इतना स्थान नहीं मिलता था कि वो 2 गाड़ियां एक साथ घूम जाए तो लोगों ने उसको सड़क पर ही डंपिंग पॉइंट बना दिए थे जिससे सीधे सीधे सड़क से कूड़ा उठा लेंगे और ट्रक में डाल के उठा के ले जाएंगे लेकिन स्थिति ऐसी थी कि वो कूड़ा सड़कों पर फैल जाता था और उसमें जानवर बैठते थे और गंदगी भी फैलती थी लोग उसमें स्कूटर गाड़ियां लेके जाते थे कूड़ा बीनने वाले उसमें कूड़ा बीना करते थे और वो पूरे शहर की सफाई
लाकर जो सड़क पर डाल दी जाती थी वो सबसे ज्यादा खराब दिखाई देता था और लगता था कि पूरा शहर गंदा है, जिसको मैंने सबसे पहले मैंने प्रयास करके वो डंपिंग पॉइंट समाप्त करने की कोशिश की। जो हमारे 540 डंपिंग पॉइंट थे, इस समय 300 डंपिंग पॉइंट मैंने खत्म कर दिए हैं और अरे वाह, 120 डंपिंग पॉइंट हमारे अभी बाकी रह गए, जिनको अभी धीरे धीरे करके समाप्त करने का प्रयास कर रही हूँ। और इनको खत्म करने के लिए जैसे हमने बीच से डंपिंग पॉइंट दूरी बना दी, डंपिंग जी पॉइंट कम हो गए तो नेचुरल है कि दूरी ज्यादा हो गई। दूरी ज्यादा हम्म, होने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, लोगों के पास गाड़ी चाहिए, जो पैदल कूड़ा डालने गाड़ी जाती थी अब उसको डीजल वाली गाड़ी चाहिए, तो गाड़ियां खरीदी गई। और नगर निगम के पास फंड्स की भी कमी थी, और फंड्स कमी होने के बाद भी हमने, जब तक हम युद्ध लड़ने जाएंगे तो तलवार नहीं होगी हाथ में, तो कैसे बिल्कुल काम चलेगा, बिल्कुल ये जी सोचकर इक्विपमेंट्स जो थे वो हमने प्रोवाइड भी हाँ किए। एक गाड़ियां खरीदी और गाड़ियों पे ड्राइवर और उनकी व्यवस्था की गई, कर्मचारियों की व्यवस्था बढ़ाए गए, कर्मचारियों की व्यवस्था की गई, और धीरे धीरे करके ये व्यवस्था थोड़ी सी, ये जो 300 पॉइंट हटाए उसको, शहर को साफ करने में सबसे पहला मौका हमको इसी में मिला। और ये हमें दौरा करने पर पता चला, क्योंकि मैं औचक निरीक्षण करती हूँ, आज तक तो कोई मेयर गली गली में इस प्रकार से नहीं घूमा। मैं सुबह औचक निरीक्षण करने के लिए हर गली में जाती हूँ, सड़कों पर तो खूब सफाई होती थी डंपिंग पॉइंट छोड़कर, लेकिन गलियों के अंदर कोई नहीं जाता था। तो गलियों जी से सफाई कराने का काम शुरू कराते हुए धीरे धीरे हम लोग पहुंचे। और फिर एक हमने और काम शुरू किया, जो हमारे पोल्स लगे थे, बिजली के पोल्स थे, उन पर स्विंकल लाइट्स लगी, जो दीपावली के समय लोग सजावट करते थे, वो हमारा शहर हमेशा के लिए स्प्रिंकल लाइट से सजा रहता है, जी पूरा शहर लाइट से जगमगा रहा है। और फिर डिवाइडर, हमारे बहुत सारे ऐसे डिवाइडर्स थे जो पेंट, डिवाइडर को पेंट कराने का काम किया। और जो हमारे फ्लाईओवर्स थे, उनके जी जो ऐसी दीवार्स होती हैं जिन पर लोग या तो यूरिनल पॉइंट बना देते हैं वहां पर खाली दीवार को, या फिर उस पर कुछ ना कुछ पोस्टर लगा देते हैं या गंदगी करते हैं उस पर लिखते हैं, गंदी दिखाई देती थी, उनको भी हम लोगों ने पेंट करने का काम किया। और उस पर स्वच्छता से संबंधित हम लोगों ने स्लोगन्स लिखवाए और सुंदर सुंदर पेंटिंग कराई, जिससे शहर की सुंदरता देखने, धीरे धीरे करके शहर सुंदर दिखाई देने लगा। चौराहों को हम लोगों ने सौंदर्यीकरण कराने का काम किया, और अपने स्मार्ट सिटी से ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्थाएं ठीक कराई गई, ट्रैफिक लाइट जो हमारे यहाँ पहले नहीं थी अब दिखाई देती है आपको। हाँ धीरे धीरे करके इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रयासों से शहर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और हमारी रैंकिंग, एक और बात बताना चाहूंगी कि जी हमारी लखनऊ की रैंकिंग 269 नंबर थी, हम बहुत पीछे थे, इंदौर नंबर 1 पर था और जी हम नंबर 1 पर आना चाहते थे, और हमने देखा कि लखनऊ 269 नंबर पर है, तो 269 बहुत पीछे थे हम। और आज जी मुझे कुछ आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस समय 4 वर्षों में हम 12वें नंबर पर आए हैं, तो ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि हम इतना प्रयास, और अब हम लगातार फर्स्ट नंबर पे आने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और आएगा। बिल्कुल आएगा मैम, और अब हम कह सकते हैं गर्व से कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। चलिए मैम, एक और बात करते हैं। जैसे आजकल जैसे ये जो गंदे नाले हो रहे हैं, ये सारा जो पानी है दूषित पानी, ये हमारी गोमती नदी में जा गिरता है, जिससे नदी में मतलब काफी खराब हो जाता है, पॉइजनस हो जाती है चीजें, काफी गलत अलग अलग जगह से नाले गिरते हैं गोमती में। तो इसके लिए कुछ प्लानिंग है, इसको सही साफ करने के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी? हाँ बिल्कुल चल रही है। इस समय सबसे पहले तो हमारे जलकुंभी जो हो जाया करती थी उसको कराने के लिए हम लोगों ने पोकलैंड मशीन लगाई है, जबकि ये नगर निगम का काम नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि शहर में गंदा दिखाई देता है इसलिए सिंचाई विभाग का काम है ये, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि लखनऊ शहर में अच्छा साफ दिखे, इसके लिए हम लोगों ने एक पोकलैंड मशीन लगाई है जो लगातार जलकुंभी को साफ साफ करती रहती है, परमानेंट मशीन लगा दी गई है, और बीच बीच में सफाई अभियान भी उसमें लगाया जाता है। लेकिन जो गंदे नाले इसमें गिरते हैं, 14 करोड़ रुपया हमने अपने इस समय सेंक्शन किया है 15वें वित्त से, जिससे नालों की सफाई हो जाए,
बायो रेमिडेशन का कार्य चल रहा है, इस पर एसबीटी का काम चल रहा है, गंदे नाले बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो गोमती में गिरते थे उनको बंद कराने का काम किया गया है धीरे धीरे करके, जिस तरह से डंपिंग पॉइंट कम किए गए हैं इसी तरह से धीरे धीरे करके कुछ नाले कम किए गए हैं, कुछ नाले साफ, कुछ नालों पर एसपीटी द्वारा उसको सफाई करने का काम किया जा रहा है, ये कार्य लगातार चल रहा है इस समय। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि आप सुबह से निकल जाती हैं, एकदम सरप्राइज इंस्पेक्शन करती है और जगह जगह कुछ चीजें डंपिंग पॉइंट्स आपने नए क्रिएट किए, काफी चीजें हो रही हैं, तो मैम इन सब के पीछे लाइक साफ सफाई और सड़क व्यवस्था इवन गार्बेज इन सब में काफी लोगों की जरूरत होती होगी, काफी मैन पावर होगी आपके पास इस पे, तो इसकी हम मॉनिटरिंग कैसे करते हैं कि काम कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पे कहीं कहीं कुछ ये तो नहीं उन्होंने कह दिया हमने किया लेकिन काम नहीं हुआ, तो किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं इस तरह इन सब चीजों की? ये इस शुरू में ऐसी परेशानी थी क्योंकि हम लोगों ने मॉनिटरिंग की व्यवस्था, मैन पावर को मॉनिटरिंग करने के लिए थोड़ी शुरू में दिक्कतें आई थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो है डिजिटल का प्रोग्राम जो है उनका, उनसे प्रेशर हम लोगों को मिलता है कि हर चीज हम लोगों को ऑनलाइन करनी चाहिए या डिजिटल का मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मॉनिटरिंग का प्रयोग करना चाहिए, और मैंने भी डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था की, एक मोबाइल सबको, एक जितने हमारे कर्मचारी हैं सबको एक एक मोबाइल दिया है, और इनके पर हमारे मैनुअल भी इसमें लोग लगे हैं, इसके साथ सर है, एक एक हर गली में एक मिलाकर एक सुपरवाइजर है जो को देख रहे हैं इनके ऊपर, उसके बाद फिर हमारे जोनल अधिकारी हैं, बहुत से लोग मॉनिटरिंग करते हैं इस पर, लेकिन हमने जो व्यवस्था की है मोबाइल वाली व्यवस्था की है, ये इसमें ऐप के साथ इसको जोड़ दिया है, और मोबाइल जहाँ पर है वो ऐप बता देता है कि वो इस समय व्यक्ति कहाँ पर है और क्या काम हो रहा है, वहां पर काम हो रहा है कि हाजिरी भी उसी के द्वारा लगाई जा रही है और ये भी उसके द्वारा की ऐप के द्वारा किया जा रहा है। अरे वाह, तो इससे तो काफी काफी मतलब व्यवस्था में काफी इम्प्रूवमेंट आया होगा चीजों पे। इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसके उसके साथ साथ बहुत सारी अभी भी लोग जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो तरीके समाप्त किए जा रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बीच में ये हम लोगों को सिखाया कि डिजिटल इंडिया बनाने का जो प्रयास किया है वो हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है, और इन्हीं की वजह से हम लोगों ने अपने सारे काम ऑनलाइन करने शुरू कर दिए, बीच में लोग खाने वाले लोग हैं वो बीच में कुछ गड़बड़ ना कर सके, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट खाते में पैसा डालना शुरू किया है उसी प्रकार से हम लोगों ने भी लोगों के डायरेक्ट खाते में खाना पैसा डालने की बात की है, ताकि बीच में मॉनिटरिंग की आवश्यकता ना पड़े, हमें डायरेक्ट उनको लाभ मिल जाए, इसी प्रकार से हम लोगों ने मोबाइल से इसको जोड़ने का प्रयास किया है, और जल्दी ही इसमें हमने अभी जल्दी प्रयास किया है, अभी पहले तो हम मैनुअली ही कर रहे थे, अभी जल्दी हमने इसका प्रयास किया है और ये भी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे और भी जो भी गैप है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब सिस्टम जब सभी लोग ऑनलाइन करेंगे तो वो भी सही सही चीजें ही रिपोर्ट होंगी उसपे, सब सिस्टम में आ जाएगा, आने पर सब चीजें ठीक होने का ये तो है, है और हम जरूर ठीक होंगे। बिल्कुल, और मैम एक और प्रॉब्लम है, जैसे ये स्ट्री एनिमल्स होते हैं रोड्स पे बैठ जाते हैं झुंड में, और लोग जा रहे हैं हाईवे पे, इंसिडेंट्स बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं चीज इसमें, तो हम इसमें आप किस क्या प्लानिंग है कि मतलब इससे की चीजें ना हो इस तरह की, जो स्ट्री एनिमल्स रोड पे ब्लॉक कर देते हैं रास्ता, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बहुत। हाँ, इसमें बहुत सारे जानवर जो दूध नहीं देते हैं या बीमार हैं या बैल है जिन जो हमारे किसी काम के नहीं है, तो ऐसे जानवर लोग सड़कों पर छोड़ दिया करते थे, और सड़कों पर एक्सीडेंट्स भी होते थे और वो लोग गंदगी भी करते थे सड़क पर, एक्सीडेंट्स के भी चांसेस होते थे, और कूड़े के ढेर में सबसे ज्यादा यही जानवर वहां बैठे रहते थे कूड़ा खाने के लिए, और उसमें हमारे वो जानवर भी बैठते थे जो दूध देते थे, और गलत पॉलिथीन वगैरह खा जाया करते थे जिनके कारण उनके पेट में बीमारियां भी होती थी, और हम उस दूध को पीते थे, हमारा भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं उससे बिगड़ा। शहर में खाना ओपन के नाम से एक बनाया है, उद्यान बनाया है, जिसमें हमने 10
इस समय हमारे पास जो है नहीं है, बीमार है, जिनको कोई लेने नहीं आता है, इन पर जहां पर इनको हम ले जाकर रखते हैं वहां पर इनके लिए हॉस्पिटल्स भी है, इनके स्वास्थ्य की चिंता भी की जाती है और वहां पर सफाई की व्यवस्था के लिए कर्मचारी भी रखे गए हैं। बहुत सुंदर सा कान्हा उपवन तो बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर पॉइंट बन गया है पिकनिक स्पॉट की तरह से, और वहां पर फुहारे भी लगा दिए गए, पौधे भी लगाए हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी गई है। और इस समय 12,000 हमारे पास जानवर हैं जो लेने कोई नहीं आता, जिनको हम इनको पकड़ कर ले जाते हैं, और अगर दूध देने वाले जानवर हैं तो लोग उस पर हमने एक जुर्माना रखा हुआ है कि अगर आपका सड़क पर घूमते मिल जाएगा तो उस पर हम इतना आपसे पेनल्टी लेंगे। उस उद्देश्य से जब हम उसको पकड़ के ले जाते हैं तो जिन जो गाय दूध देती हैं, जो डेयरी चलाते हैं उनकी दूध वाली गाय है, उनको तो वो छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन जो दूध नहीं देती है, बीमार है या बैल है उनके काम के नहीं है, उसको वहीं छोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के हमारे पास 12,000 इस समय जानवर हैं जिनकी सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और आदरणीय योगी जी ने गौ हत्या बंद कराने के बाद और गायों से पालने का जो उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर अगर चले तो लोग घर में एक गाय पाले, उसकी सेवा करें, गाय से कितने लाभ हैं ये सारी हम लोग सब चीजें जानते हुए भी गाय की वो सेवा नहीं कर पाते हैं, तो हमारा कान्हा उपवन और राधा उपवन उस सेवा को, उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, मैम अभी बीच में कुछ दिन पहले एक पेपर में निकला था कि एक आदमी सीवर सफाई करने नीचे उतरा और उसको उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो बहुत पॉइजनस गैस थी वहां पे होती ही अंदर नीचे सीवर में, और प्लस उसके बाद से मैम वो कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी नहीं पहना था। तो क्या इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो उसके रोकने के लिए, क्योंकि नॉर्मली एक जो नॉर्म ये होता है कि आप उसमें उतरेंगे सेफ्टी सारे पहन के प्रॉपर ऑक्सीजन मास्क और ये सब लेके आप करेंगे, लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ था वो काफी मतलब वैसा था, तो इसमें कैसे आप क्या इसमें कर रहे हैं कि चीजें ना हो आगे? यह सीवर की सफाई के लिए स्वेज इंडिया एक कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, जिसको शासन के द्वारा हम लोगों को ये निर्देश दिया गया था कि सीवर की सफाई में मैनुअल काम नहीं होना चाहिए, और मैनुअल होने से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, लोग उसमें कई लोगों की जान चली जाया करती थी। और इस समय सरकार ने यह तय किया है कि इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, हाईकोर्ट के आदेश भी हैं इस पर, और इसको पूरी तरह से हम लोग नगर निगम में इसको लागू कर रहे हैं। स्वेज इंडिया को हमने स्वच्छता का काम दिया है और हमारे कर्मचारी भी उनके साथ लगकर काम कर रहे हैं, और स्वेज इंडिया के कर्मचारी वहां पर पूरी तरह से ये सफाई का काम कर रहे हैं, और ये लोग रोबोट से सफाई करते हैं ना कि मैनुअल सफाई करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रोबोट वहां तक नहीं पहुंच पाया, कोई समस्या अगर आ गई तो उसमें कुछ लोग नीचे उसमें काम करते हैं, लेकिन ऐसे में एक हम लोगों ने ये सिस्टम बना दिया है कि अगर ऐसा कोई आवश्यकता पड़ती है, पहली बात तो रोबोट से ही सारे काम, छोटी मशीनें, छोटे रोबोट, बड़े रोबोट, हर तरह की मशीनें हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि वहाँ हाथ लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो पूरे इक्विपमेंट्स उनको चाहिए। और मैंने स्वेज इंडिया का जो इनकी कंपनी है जो काम कर रही है उसमें मैंने औचक निरीक्षण किया था, वहाँ पर सारे इनके सेफ्टी किट्स वाला सब देखे थे, सब चीजें वहाँ पर मौजूद थी। और जब से ये घटना घटी है, पता नहीं किस उद्देश्य से वो लोग, किस तरह से वो लोग नीचे उतरे थे, उसके बाद से हम लोगों ने एक वहाँ के एक अधिकारी का, जोनल अधिकारी का जो वहाँ स्वच्छता के लिए वहाँ उसकी ड्यूटी है उसका, और हमारे जो पार्षद हैं, जो वार्ड के पार्षद है, उन दोनों का साइन आवश्यक है अगर वो वहां पर उतारने का करते हैं। और वो भी ये भी देखने का काम उनको सौंपा गया है कि वो इस प्रकार बिना सेफ्टी किट के उनको बिल्कुल ही हाथ ना लगाना दें। ये ठीक है, इससे काफी चीजें रुक सकती हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी फिर उस तरह से। मैम एक चीज और थी, जैसे अभी जब पिछले साल जब बारिश हुई तो काफी नाले, जो गंदे नाले जिनकी सफाई होती है, जिनकी नहीं हुई होगी, उनके वो पानी रोड पे आ जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, और अब मॉनसून आने वाला है, तो आप कैसे तैयार हैं इस समय मॉनसून को फेस करने के लिए? मैं तो पूरी तरह से इसके लिए पिछले वर्ष भी मैंने पूरा प्रयास किया था, क्योंकि कहीं कहीं तो टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है कि पूरे लो लैंड है और सारे जगह का पानी एक ही जगह एकत्रित होता है, लेकिन हमारे नाले अगर साफ हो तो पानी जो एकत्रित होता है, पानी अगर का स्वभाव है कि वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन अगर वहाँ लोअर एरिया है
लो पॉइंट है तो वहां पर इकट्ठा हो लेकिन वो तुरंत निकल जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और वो व्यवस्था सारी हमारे नालों की सफाई से संबंधित होती है। अगर नाले साफ हैं तो पानी जल्दी से निकल जाता है, और अगर नाले साफ नहीं है तो पानी रुक जाता है। और उसमें कहीं ना कहीं नालों की सफाई का काम जो है वो निश्चित हर हर वर्ष यहाँ पर होता है लखनऊ नगर निगम के द्वारा। लेकिन मैं पढ़ा करती थी जब मैं मेयर नहीं थी, और उसके बाद पहली बार जब मैं थे तो मैं पढ़ा करती थी, अखबार में निकलता था कि खुल गई पोल महानगर की नगर निगम की पोल खुल गई, सफाई नहीं हुई। तो मुझे डर लगता था कि मेरे समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने विशेष रूप से प्रयास किया कि नाले सफाई की का काम जो है बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। और उसके लिए हमने मैंने 12 करोड़ रुपए का फंड भी उसके लिए रखा कि नालों की सफाई ठीक से हो जाए। और लोगों से, पब्लिक से, क्योंकि मैं पब्लिक से मिलती हूँ, मैंने आपसे पहले मंगल दिवस किया तो उससे पब्लिक से मिलने का, डायरेक्ट मिलने का मुझे बहुत अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने, लोग मुझे बताते हैं कि नाला सफाई होती है, लोग ऊपर से मशीन से नाले की सफाई हो जाती है क्योंकि पानी चलता रहता है, नीचे सिल्ट दिखाई नहीं देती। और जब हम लोग देखने जाते हैं तो पानी चलता हुआ दिखाई देता है, तो बताया जाता है कि नाला साफ हो गया। अधिकारी ये बताते हैं नाला साफ हो गया, जिनको ठेका दिया गया उन्होंने पैसा लिया लेकिन पूरा काम नहीं करते, नीचे से नहीं निकालते हैं। तो उसको देखने का काम मैंने स्वयं पिछली बार भी किया था, और इस बार भी नालों की सफाई का काम कर मैं देख रही हूँ। मेरे पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी, क्योंकि मुझे चिंता थी कि नालों की सफाई का काम चल रहा है और अगर बरसात आ गई उसके पहले नाले से कूड़ा नहीं उठा, नाला पूरा साफ नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से फिर वही समस्या आने वाली है। इसके लिए मैंने अपने, उसका फ्रैक्चर होने के बाद भी मैं स्वयं देखने गई ताकि ये ना हो कि नाला साफ नहीं हुआ और घरों में पानी भर गया। और कहीं ना कहीं इसमें नाले की सफाई की पूरी पूरी मैं अपनी एक टीम भी मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने एक समय दिया था कि बरसात से पहले पहले नाले साफ हो जाने चाहिए, और वो नाले अभी टेंडर में कहीं लेट होने से या कहीं काम देर में शुरू करने की वजह से अगर कहीं नहीं शुरू हुआ, तो मैंने एक समय दे दिया था, निश्चित कर दिया था कि 30 तारीख तक मुझे पूरे नाले साफ मिलने चाहिए, और क्योंकि बरसात हो जाएगी और उसके पहले जो सिल्ट निकाली जाएगी वो भी निकल जानी चाहिए। तो उसके लिए एक समय दिया गया था और वो समय पूरा होने का समय आ गया था और उसका निरीक्षण भी करना था, और इसी बीच में मेरा फ्रैक्चर हो गया। उसके बावजूद भी मैं वहाँ इसीलिए देखने गई कि कहीं बरसात में पानी ना भर जाए, और मैंने एक टीम बना दी है। एक, चूंकि पूरे शहर में बहुत सारे नाले हैं और वो नाले एक व्यक्ति अगर देखने जाएगा तो उसको बहुत समय लगेगा देखने में, इसलिए एक हमने नगर निगम की एक टीम बना दी है, जो हमारे नगर निगम में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और जो नाले का काम नहीं करते हैं, जो हमारे हाउस टैक्स का भी काम देखते हैं, अन्य काम देखते हैं, सबकी सबको मिलाकर 3-3 लोगों की टीम लगा दी है पूरे शहर में कि हर नाले को वो जाकर देखेंगे। क्योंकि मैं जब जाती हूँ नाला देखने के लिए तो मैं देखती हूँ कि उसमें अगर सिल्ट है तो पब्लिक कहती है कि यहाँ सिल्ट है, और हमारे जो नाला साफ करने वाला वो बताता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नाला होता है कि ऊपर से चलते हुए पता नहीं चलता कितनी सिल्ट है। तो मैं उसमें पब्लिक को भी सेटिस्फेक्शन हो और हमें भी पता चल जाए कि क्या हो रहा है, तो मैं उसमें वहाँ के लोगों से कहती हूँ कि भैया इसमें एक डंडा डालो और जितना गहरा डंडा चला जाएगा तो सिल्ट उतनी उतने इंच, वो लोग वहाँ नाप के बताते हैं कितने इंच सिल्ट है यहाँ पर। तो वहाँ ऐसी ऐसा मिलता है कि हमने डंडा डालकर देखा और सिल्ट अगर वहाँ पर है, 2 इंच है, 3 इंच है या 4 इंच है, तो ये फिर उसके बाद उनको दोबारा आदेश कर दिया जाता है कि आपको तब तक पेमेंट नहीं होगी जब तक आप इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर देंगे। और उसको देखने से इतना अंतर आता है, इसीलिए मैंने टीम बनाई है कि वो टीम जाएगी और पूरा जाकर जांच करेगी और जहां नाले साफ नहीं है उनको दोबारा कराएगी, और जो कूड़ा निकाल के बाहर रखा गया है उसको भी जल्दी से जल्दी उठाने का काम करेगी, नहीं तो बरसात में वो फिर दोबारा नाले में चला जाएगा। इस व्यवस्था को ठीक करने का काम मैंने किया है और मैं पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ, और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही इस बार लो लैंड है, टेक्निकल प्रॉब्लम जहाँ है वहां तो पानी आएगा ही आएगा, तो कुछ नहीं कर सकते पूरे शहर में पानी, जहाँ जहाँ नालों के द्वारा पानी निकाला जा सकता है वो व्यवस्था ठीक ढंग से संभावित है। अच्छा मैम, जैसे आपने बोला कि आप इन डेज में यहाँ यहाँ मिलते हैं आप लोग, तो जैसे जो लोग, जिन लोग को पता नहीं है कि कैसे आपसे बात करनी है, कहाँ मिलना है, तो क्या मैम कोई हेल्पलाइन नंबर है जिससे वो बात कर सकते हो, या कैसे, मतलब कोई आपको नॉर्मल सिटीजन कैसे आप तक पहुंचे?
नहीं, मेरे तक पहुंचने का तो लोक मंगल दिवस है जो हर जोन में, मैं स्वयं उनके घर जाकर बैठती हूँ, मुझसे मिलने उन्हें नहीं आना है, मैं उनके ऑफिस उनके अच्छा जोन में जाकर बैठती हूँ। ये मंगल दिवस ओके जो मैं करती हूँ, ये हमारे 8 जोन है, 8ों जोनों में मैं सारे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठती हूँ, वो मुझसे वहां मिल सकते हैं। और अगर वो फोन पर शिकायत करना चाहते हैं तो लोग सोशल मीडिया के द्वारा भी करते हैं, और एक हमने लखनऊ वन ऐप भी बनाया है, अच्छा उसके उसके अच्छा माध्यम से भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं। और फोन नंबर भी मैं अभी दे देती हूँ आपको, नंबर नोट कर, अगर जो लोग सुन रहे हैं इसको नोट करना जी आप चाहें बताइए, तो नोट कर मैं नोट कर सकती लेती हैं हूँ जी। जी। 5 5 222 5222 0 0 0 0 777 0 0 0 777 777 0 ओके फाइव फाइव ट्रिपल टू 5222 300 777 0 हाँ ठीक है, मैं डाल दूंगी चैट फाइव में टू इसको। टू टू 300 777 0 जीरो जी, तो मैम इस पे अपनी वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं इस पे कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं। और मैंने अपने यहाँ भी आप। अपने घर अपने ऑफिस में भी एक ये व्यवस्था कर रखी है पर्सनली अपनी, कि एक एक व्यक्ति को हमने बैठा रखा है, जिसका भी फोन आता है समस्या के लिए, उसको वो नोट करता है अपने उस पर, और उस पर उसको तुरंत करवाने का भी काम करता है। और अगर उससे वो समस्या का समाधान नहीं होता तो मुझसे वो डिस्कस करता है, मैं शाम को देखती हूँ कि कितनी समस्याएं आई, कितनी सॉल्व हुई, जो नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उस पर मैं खुद भी इसकी मॉनिटरिंग करती हूँ। एक व्यक्ति मैंने इसके लिए पूरी तरह से अपने ऑफिस में लगा रखा है, जो इस काम को करता रहता है, और इस समय धीरे अपना धीरे करके समस्याएं कम हो रही है, इससे जी लगता है कि बिल्कुल लोगों की समस्याएं सॉल्व हो रही है। मैम, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि आप लिब्रन हैं, आपका बर्थडे 19 अक्टूबर को आने वाला है, आप तब आप 75 ईयर्स की हो जाएंगी मैम, टच वुड मैम। इस आप इतना काम करती हैं, मतलब मैंने आपको देखा है आप सुबह से निकल, मतलब मुझे तो लगता है 12 घंटे से ज्यादा आप काम करती हैं, और निकल जाएंगे आप सुबह और शाम को, आपको देखा जाए तो दोनों में सिमिलैरिटी, मतलब कोई शिकन नहीं आती है कि हाँ मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत काम है, कुछ भी नहीं ऐसा होता, आप बस काम करती रहती हैं। कहीं पे भी होगा, कोई भी आपको बुलाएगा, आप जरूर उनके पास जाएंगी, क्योंकि आप एक बहुत वार्म पर्सनैलिटी है, आप एक हम्बल, आप सबको मिलना चाहती है, मतलब कोई वो नहीं है कि नहीं अपॉइंटमेंट लेके आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इवन कोरोना में मैम देखा था कि आप किसी की चिंता करे बिना कि मुझे होगा कि नहीं होगा, आप सीधे उतर गई, लोगों की हेल्प करने लगी। और इवन अभी आपके से फ्रैक्चर हुआ, आपने बताया कुछ दिन पहले पेपर में था कि आप वॉकर के साथ एक इंक्रोचमेंट ड्राइव पे वहां पे आप खड़ी थी। तो मैम आप हमें थोड़ा सा इसकी वो बताइए, ये एक मिस्ट्री है कि इतनी एनर्जी आपके में आती कहाँ से है, मतलब कहाँ से आप इतना वो, हम लोग तो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना काम है ये है, आपको कुछ होता ही नहीं है, कहाँ से आप इतनी एनर्जी लेके आती हैं? ये जनता ने मुझ पर जो भरोसा दिया, मुझे दिखाया है, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, और मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रही हूँ। रात में अगर 12 शादियां होती हैं तो मैं 12 शादियों में जाती हूँ सुबह 7 बजे, अगर वहाँ कभी 1 1:30 कभी 2 बज जाता है तो भी मैं सुबह 7 बजे दौरे पे अवश्य जाती हूँ अपने काम के प्रति। और मुझे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है उस भरोसे पर मैं खरी उतरूँ। और जनता का इतना प्यार मुझे मिला है कि मुझे लोगों को मैं मुझे लगता है कि मैं उनके घर, जब मैं मेरे घर पर आते हैं मैं उनका काम करती हूँ, तो उनके चेहरे पे जो कुछ लोग तो धन्यवाद करने आते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल बताते भी नहीं है कि काम करने के बाद काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बताने आते हैं, धन्यवाद देने आते हैं कि आपने मेरा काम कर दिया। तो जब ऐसे लोग जो आते हैं तो उनके चेहरे पर जो संतोष मुझे दिखाई देता है, जो खुशी दिखाई देती है, वो मुझे एनर्जी देती है। बस यही मेरा एनर्जी का कारण यही है कि जनता मुझे प्यार देती है, जनता मेरे काम से जो खुश होती है उनके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एनर्जी प्राप्त हो गई और मैं उस कार्य को करने में करती हूँ। और ईश्वर की कृपा है, वो भी कुछ ईश्वर भी साथ देता है। तो मैम आपने ये प्रूव कर दिया है कि जो एज है इट इज जस्ट अ नंबर, कुछ नहीं है, ये सब यहाँ पे होता है कि हमारी ये नहीं, एज हो गई, हमारी ये एज हो गई। अच्छा मैम जैसे आज आज की युवा पीढ़ी तो 11 बजे सो के उठती है। वही मैं कह रही हूँ कि मतलब कहाँ से आप इतना एनर्जी एनर्जेटिक रहती है थ्रू आउट द डे, दिस इज कमेंडेबल। अच्छा मैम जैसे होता क्या है, हर इंसान की अपनी कोई चौबो लाइकिंग्स होती है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, आप मेयर बनने से पहले आपको क्या पसंद था, आपकी क्या मतलब लाइकिंग्स क्या है आपकी? मुझे सेवा का कार्य बहुत अच्छा लगता है, आज भी मुझे पॉलिटिकल से ज्यादा सेवा का कार्य अच्छा लगता है।
जनता की सेवा करना, लोगों के कष्ट में उनके काम आना, और यही मेरी मुझे शुरू से अच्छा लगता था। और मेयर बनने के बाद मुझे वो काम बहुत अच्छी तरह करने का अवसर प्राप्त हो गया, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं चूंकि मैं मातृ संगठन आरएसएस से भी जुड़ी रही हूँ, भाजपा में भी बहुत दिन तक मैंने राष्ट्रीय स्तर पर मैं रही हूँ, महिला मोर्चा में मैंने काम किया है, तो सेवा भावना से काम किया है, और सेवा ही मुझे अच्छा लगता था, अच्छा काम करना लगता था, और आज भी सेवा ही कर रही हूँ। तो मैम ये बताइए कि जैसे आप इतना बिजी रहते हो, घर पे देर में आना, सुबह जल्दी निकल जाना, तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आप उनके साथ कब टाइम निकालती होंगी? जब जब समय मिलता है इन सब कार्यों के बीच में, एक जब जब समय मिलता है, कभी कभी तो बच्चे कहते हैं कि रात में लेट नाइट मेरे साथ पिक्चर देखने चलो, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ, और जब जब समय मिलता है उनके साथ वक्त बिताने का प्रयास करती हूँ, और उनको भी सेटिस्फाई करने का पूरा पूरा प्रयत्न करती हूँ। और मुझे तो अपनी राजनीति का ABCD सब अटल बिहारी वाजपेयी जी से ने सिखाया है, क्योंकि वो मेरे परिवार में उनका रहना होता था, मेरे घर में उनका आना होता था, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो हम लोगों को ये सब जो भी करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये सब हमें उन्हीं के द्वारा एक एक गाइडलाइन मिली है, उनके द्वारा उन्होंने जो सिखाया है उसे सीखा है, और उस पर करने का प्रयत्न कर रही हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से हमेशा, और मुझे जनता का बहुत सहयोग मिला है। अगर मैं 269 नंबर से 12 नंबर पर आई हूँ, तो मुझे जनता का बहुत सहयोग मिला है। अगर हम कोशिश करते और जनता ही सहयोग नहीं करती, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, या लखनऊ शहर को एक व्यक्ति कभी नहीं साफ कर सकता, लखनऊ शहर को आगे नहीं बढ़ा सकता, जब तक सबकी सहभागिता नहीं होती। और इसमें पब्लिक की, जनता की और सबकी, आप सबकी बहुत बहुत सहभागिता है, और वो मुझे उनका सहभागिता के कारण मुझे ये सहयोग मिला, और इस सहयोग की में सहभागिता के कारण ही हम आगे बढ़ पाए, और ईश्वर की कृपा होगी तो और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल मैम, लखनऊ नंबर वन पर जरूर आएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा मैम। अच्छा मैम, जैसे हमारी ये जो विमेन शाइंड एक मैगजीन है, डिजिटल मैगजीन है, जो कि हम इसमें विमेन के जो इंस्पायरिंग विमेन है उनको उनकी बारे में लिखते हैं, और ये ग्लोबली भी है, तो बाहर की भी महिलाएं होती है, इंडिया की महिलाएं होती हैं। आप एक एक्चुअल सेंस में हमारी विमेन शाइन हो, क्योंकि हम आपकी स्टोरी अपने जून एडिशन में जरूर पब्लिश करेंगे। और मैम एक मैसेज जो हमारी रीडर्स है, जो महिलाएं, क्योंकि आप बहुत महिला सशक्तिकरण पे काफी काम करती हैं, आप प्रमोट भी करती हैं कि विमेन को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही एक महिला हैं और वो भी फर्स्ट लेडी मेयर ऑफ लखनऊ, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैम। सो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे विमेन शाइन रीडर्स के लिए? मैं तो ये कहूंगी कि आने वाला समय महिलाओं का है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। एक समय था जब महिलाओं को बाहर निकलने की भी पाबंदी थी, स्कूल बहुत सारी, गांव की बहुत सारी बच्चियां ऐसी थी जो स्कूल भी नहीं जा पाती थी, लेकिन आज हमारी सरकार के माध्यम से, महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम के माध्यम से महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, और महिलाओं का, मुझे लगता है कि आने वाला समय महिलाओं का समय है, क्योंकि महिलाएं जहाँ 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 उन्होंने, पहले तो उनको मौका ही नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है उन्होंने अपना परचम लहराकर साबित किया कि वो भी किसी से कम नहीं है, और आने वाला समय, और इस समय सरकार भी उनको बहुत सहयोग दे रही है, तो आने वाला समय महिलाओं का ही है, इसलिए मैं कहूंगी कि वो और आगे बढ़ते चले जाओ बस। आगे बढ़ते चले जाओ, और महिला सशक्त बने और परिवार उनका पूरा सहयोग करे। जब तक परिवार बहुत सहयोग नहीं, जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है ये जब बात। तक उनको परिवार आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगा, और मैं तो हमेशा महिलाओं के साथ हूँ, मेरे दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं, किसी भी प्रकार से महिलाओं को सशक्त होने में किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ी मिलूंगी। और अभी आप इसी उस पर बताना चाहूंगी कि मैंने एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला सदन भी किया था, और उसमें महिलाओं को आगे, हमेशा मैंने कोशिश की है कि महिलाएं आगे बढ़ें, और आने वाले समय में उनका परिवार, और वो सरकार योगी जी का और मोदी जी का कार्यक्रम, योगी जी का तो इस समय उनका योगी जी का डंडा है, जिससे ऐसे लोग भाग रहे हैं जो महिलाओं से के साथ छेड़खानी का काम करते थे, तो महिलाओं को बहुत अवसर प्राप्त हो रहा है, महिलाएं आगे बढ़ें, अपने सशक्त बने और अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, सशक्त बने, ऐसी मैं कामना करती हूँ, और मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी।
थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला एंड आपकी तबीयत भी खराब है उसके बाद ही आपने भी टाइम दिया है इसके लिए, और प्लस क्योंकि हम ये चाहते थे आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट पे, हम हर जगह कहीं ना कहीं प्लांट्स लगा रहे हैं, लेकिन जो लखनऊ सुंदर है उसके पीछे कौन है, उसका योगदान किसने दिया और किसने मिल के सबको एक साथ किया, जैसे एक सोच भी होती है मैम, आपने सोचा कि हमें ये करना है, अपने लोगों को मिलाया, आगे होते चले गए लोग, तो इसीलिए था कि हम आपसे मिले, आपसे बात करें और बताएं लोगों को कि एक्चुअली मुस्कराइए कि आप लखनऊ में हैं, दिस इज अ वंडरफुल सिटी और बहुत सुंदर सिटी है हमारी, एंड रियली मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप बहुत ही, यू आर सच एन इंस्पायरिंग पर्सन, वी आर रियली थैंकफुल टू यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।